सो हैलो एवरी वन होप यू ऑल आर डूइंग गुड सो नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस सम पी व्यूज रिलेटेड टू द टॉपिक प्लास्टिक ठीक है जी साइंस का टॉपिक है मटेरियल ऑफ डेली यूज आपका जो थर्ड चैप्टर है आपके सिलेबस में ठीक है क्योंकि फर्स्ट आपका जो चैप्टर है वो तो हमने कर लिया था ठीक है और सेकंड वाला था जो स्टेट्स ऑफ मैटर है वो भी हम कर लेंगे बट उसके बाद जो दे रखा है आपके सिलेबस में वो है मटेरियल ऑफ डेली यूज तो उसमें प्लास्टिक्स भी आते हैं फाइबर्स भी आते हैं जिसके बारे में आप स्टडी करेंगे एसिड और बेसिस भी आते हैं ये टॉपिक अपने आप में ही बहुत बड़ा है ठीक है तो आज हम उसका एक सब पार्ट करेंगे जिसको हम बोलते हैं प्लास्टिक ठीक है जी क्योंकि प्लास्टिक से रिलेटेड भी बहुत से क्वेश्चंस आते हैं तो आपको सारे कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए उससे पहले राइट सो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट क्वेश्चन टू प्लास्टिक इनमें से आपके पास चार स्टेटमेंट हैं। इनमें से एक स्टेटमेंट है जो करेक्ट है बाकी तीन गलत है तो उसको आपने सिलेक्ट आउट करना है सो बेकलाइट एंड मेलामाइन आर बोथ थर्मोप्लास्टिक पहले तो आपको थर्मोप्लास्टिक पता होना चाहिए और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या होता है पता होना चाहिए प्लास्टिक दो तरह के होते हैं ठीक है एक होता है थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक वो होते हैं जो जैसे कि परमानेंट शेप चेंज नहीं करते इनको हम रीयूज कर सकते हैं ठीक है फिर से रिसाइकल किया जा सकता है फिर से इनकी यूजेज हो जाती है मतलब बैक टू तो इट्स ओरिजिनल पोजीशन आ जाते हैं ठीक है पर जो थर्मोसेटिंग वाले होते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक वो होते हैं जो एक बार जो एक शेप ले लेना उसके बाद वो चेंज नहीं किए जाते जैसे हम केमिकल चेंजेस फिजिकल चेंजेस पढ़ते हैं ना बस वही चीज है थर्मो प्लास्टिक वो है मतलब जहाँ पे फिजिकल चेंज हुआ फिर से वापस से रिवर्स हो जाएगा ये और थर्मोसेटिंग क्या होता है कि अब उसकी सेटिंग हो चुकी है अब चेंजेस नहीं आएंगे ठीक है तो तो जो बेकलाइट है और मैलामाइन है दोनों थर्मोप्लास्टिक है तो आपको पता होगा जो बेकलाइट है और मैलामाइन है इसमें रिंग लाइक -like स्ट्रक्चर होते हैं और वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बनाते हैं तो वो थर्मोप्लास्टिक तो नहीं होंगे ठीक है जी तो ये तो गलत है मैलामाइन इज थर्मोप्लास्टिक जब हमने स्टार्टिंग में ही बोल दिया कि दोनों ही थर्मोप्लास्टिक नहीं है तो सेकेंड वाला सिचुएशन तो आती नहीं है कहीं पे कि मैलामाइन थर्मोप्लास्टिक होगा ठीक है नेक्स्ट अब दोनों ही थर्मोप्लास्टिक नहीं है तो तीसरी स्टेटमेंट तो डायरेक्ट कह दी उन्होंने कि बेकलाइट एंड मैलाइन आर थर्मोसेटिंग प्लास्टिक बिल्कुल सही थर्मोटिकटिंग है ठीक है एक बार मतलब जो पोजीशन चेंज कर ले वो उनकी परमानेंट हो जाती है तो राइट बेकलाइट इज थर्मोप्लास्टिक मेलामाइन इज थर्मोसेटिंग तो ये भी गलत है बेकलाइट और मैलामाइन और टेफलोन ये तीन चीजें ऐसी हैं जो क्या है थर्मोसेटिंग है ठीक है जी आई होप दिस इज क्लियर तो सी ऑप्शन इज योर करेक्ट वन करेक्टर नाउ कम्स टू द क्वेश्चन आई होप फर्स्ट क्वेश्चन आपको समझ आ गया ठीक है जी नेक्स्ट ये देखिए क्वेश्चन है फोर ऑप्शन हैं कॉमन करेक्टरिस्टिक्स पहले तो क्वेश्चन देख लीजिएगा कॉमन करेक्टरिस्टिक्स क्या है प्लास्टिक की मतलब ये प्लास्टिक की कुछ प्रॉपर्टीज दे रखी हैं इनमें से बताओ कौन सी प्रॉपर्टी बिल्कुल सही है अब मैं आपको चार ऑप्शंस दिखा देती हूँ तो पहला देख लेते हैं ए वाला ड्यूरेबल गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड नॉन रिएक्टिव पहली बात तो हमें यही पता है कि ड्यूरेबल तो चलो समझ लिया नॉन रिएक्टिव भी है करोजन रेजिस्टेंट भी है पर गुड कंडक्टर नहीं होते कभी भी प्लास्टिक गुड कंडक्टर तो नहीं होते ना ही हीट के ना ही इलेक्ट्रिसिटी के ठीक है तो पहले दो ऑप्शन तो कट ही गए सीधे गुड कंडक्टर लिख रखा है यहाँ पे गुड कंडक्टर लिख रखा है ठीक है तो दो तो कट ही गए बचा और सी और डी गुड कंडक्टर यहाँ पे भी गड़बड़ हो गई तीस, आ, लास्ट वाला बचा ड्यूरेबल लाइट इन वेट एंड नॉन रिएक्टिव तो ये बिल्कुल सही है आपका अगर कहीं पे भी बैड कंडक्टर होता ना हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का तो आपको वो ऑप्शन सही हो जाता ठीक है क्योंकि ये ड्यूरेबल भी है लाइट इन वेट है नॉन रिएक्टिव है क्रोशन रेजिस्टेंट है प्लस और इनमें कौन सी चीज़ें थी कि नॉन रिएक्टिव है ड्यूरेबल है लाइट इन वेट एंड बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी ये पांच प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपको पता होनी चाहिए प्लास्टिक के बारे में और जिस टाइम मैंने नोट्स बनवाए थे उस टाइम मैंने एक एक प्रॉपर्टी आपको एक्सप्लेन की थी अच्छे से ठीक है तो एक एक टॉपिक अच्छे से क्लियर कर लेना एग्जाम से पहले नेक्स्ट अब देखिए जी बेकलाइट मेलमाइन टेफलॉन इनमें से ही सीधे सीधे क्वेश्चन आ रखे हैं तो बेकलाइट इज यूज इन मेकिंग इलेक्ट्रिकल अप्लायसेज बिकॉज इट इज़ अ जो बेकलाइट है वो आपकी इलेक्ट्रिकल अपलायंसेज मतलब जैसे स्विचेस वगैरह होते हैं ना इसमें बेकलाइट यूज किया जाता है क्यों क्योंकि वो गुड कंडक्टर होते हैं हीट के गुड कंडक्टर होते तो स्पार्किंग तो तो ही होती रहती लास्ट वाला देखो थर्मोप्लास्टिक ये तो हमने पहले ही काटा मार दिया था कि थर्मोप्लास्टिक तो होते ही नहीं है ठीक है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं जी गुड कंडक्टर ऑफ हीट भी नहीं होते क्योंकि जो आपको बर्तन है यूटेंसिल्स होते हैं ना आपके फ्राइंग पैन देखा होगा आपने उसमें हैंडल लगा होता है ठीक है वो हैंडल क्यों होता है ताकि जो हीट है वो आपके हाथ पर ना लगे और हैंडल तक भी ना पहुंचे, ठीक है वो बेकलाइट का ही बना होता है तो अगर गुड कंडक्टर होता है हीट का तो तो आपके हैंडल तक हीट पहुंच जानी थी ठीक है पर वो गुड कंडक्टर नहीं है तो ये तो काटा हो गया गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं है वो एक गुड इंसुलेटर है इलेक्ट्रिसिटी का सी ऑप्शन इज योर करेक्ट ठीक है टॉपिक क्लियर है लॉजिक लगा के डायरेक्ट आंसर आएंगे यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन आउट ऑफ द गिवन ऑल्टरनेटिव पिक द वन दैट इंक्लूड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक ओनली इन चार ऑप्शन में से बताइए कौन से सिर्फ थर्मोसेटिंग है थर्मोसेटिंग कौन से होते हैं कि एक बार जो चेंज हो गया वो चेंज परमानेंट है अब उसको चेंज नहीं कर सकते आप वापस से ठीक है तो कौन कौन से है बेकलाइट और मैलामाइन तो है हम सबको पता है ठीक है तो बेकलाइट मैलामाइन कहाँ कहाँ पे है ए बी सी ऑप्शन में है डी ऑप्शन में तो है ही नहीं तो इसको तो काट दो ठीक है उसके बाद परपेक्स नहीं पी ई टी भी नहीं है बेकालाइट मेलामाइन पॉलिस्ट्रीन नहीं जी पॉलिस्ट्रीन जो होता है वो क्या है थर्मोप्लास्टिक है बच्चा क्या टैफलॉन मेलामाइन ए ऑप्शन इज योर करेक्ट वन हेयर कि ये तीनों क्या होते हैं थर्मो सेटिंग प्लास्टिक होते हैं कि जो एक बार आपने इनको चेंज कर दिया ठीक है इनकी शेप स्ट्रक्चर वो क्या है उसकी ओरिजिनल हो जाएगी फिर वो वापस से रिवर्स नहीं हो सकते राइट नेक्स्ट क्वेश्चन अब ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन को कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट प्लास्टिक अभी मैं प्रॉपर्टीज करवा के हटी बस उन्हीं प्रॉपर्टी में से ये क्वेश्चन है ठीक है अब देख सकते हो आप एक ही क्वेश्चन कितनी तरह से आपको पूछा जा सकता है तो आपको तैयार रहना है हर क्वेश्चन के लिए हर टॉपिक के साथ दे आर यूजली नॉन रिएक्टिव दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी ठीक है जी दे आर इजिली करोटेड ये तो करोजन रेजिस्टेंट होते हैं यहाँ पे करोजन की बात नहीं हुई ठीक है जी अब इसमें से देख लेते हैं उन्होंने पूछा इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है तो हमें सीधा सीधा पता लग रहा है कि ये नॉन रिएक्टिव होते हैं ड्यूरेबल होते हैं पुअर कंडक्टर होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के ठीक है तो सारा कुछ तो इन्होंने दे रखा है वन एंड टू ऑप्शन इज योर करेक्ट वन तो यहाँ पे वन एंड टू कहाँ पे दे रखा है बी ऑप्शन में सो बी इज योर करेक्ट वन हेयर आई होप दिस इज क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन अब जैसे मैं समझा के हूं, अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो आपको इसका आंसर डायरेक्ट पता होगा रश्मि की जो मम्मी है वो क्या कर रही ठीक है रश्मि की मम्मी प्रेशर कुकर में क्या बना रही है दाल बना रही है ठीक है जी तो रश्मि की मम्मी ने नोटिस किया कि उसका हैंडल है जो ब्लैक प्लास्टिक से बना हुआ है ठीक है जी दैट कुड नॉट विद स्टैंड द हीटिंग जो मतलब गर्म नहीं हो रहा है मतलब सही है कि जो पतीला है सिर्फ वो गर्म हो रहा है बट उसका जो हैंडल है वो ब्लैक प्लास्टिक से बना हुआ है और हीट नहीं हो रहा मतलब ठीक है गर्म नहीं है द हैंडल बार मोस्ट प्रोबेबली वुड हैव बीन मेड अप ऑफ तो आपको ठीक है जी जो हैंडल है वो किस चीज का बना हुआ है मतलब ब्लैक प्लास्टिक का हैंडल है ठीक है जी और हीट नहीं हो रहा है वो सिर्फ जो फ्राइंग पैन है वो हीट हो रहा है तो वो किस चीज़ से बना होगा एक्राइलिक का पीवीसी का नहीं जी पॉलीथीन तो बिल्कुल भी नहीं बचा क्या बेकलाइट ठीक है जी आई होप दिस इज क्लियर बी ऑप्शन इज योर करेक्ट वन क्योंकि जो बेकलाइट है वो गुड इंसुलेटर होते हैं हीट के ठीक है जी आई होप दिस इज क्लियर बी ऑप्शन इज योर करेक्ट वन हियर एंड दिस इज ऑल अबाउट द पी वाई क्यूज दैट व रिलेटेड टू द टॉपिक प्लास्टिक आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी और अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो अंडरस्टैंडेबल हो दैन प्लीज वन फॉर गेट लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल थैंक यू वेरी मच